Hello everyone this is our lecture 3 of data warehouse and business intelligence in this video we will discuss about what is data marts the type of data marts there are three types of data marts dependent independent and hybrid data marts in previous video we will discuss about etl in data warehouse and next video we will discuss about operational data store versus data warehouse लेट्स मूव टू अवर टॉपिक्स व्हाट इज डाटा मार्स डाटा मार्स फोकस ऑन सिंगल ऑपरेशनल एरिया ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डाटा मार्स फोकस करता है सिंगल ऑपरेशनल एरिया के ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है डेट कहते हैं सबसे वेयर हाउस मेन डाटा हाउस होता है उसके जो सबसेट्स होते हैं उसको डाटा मार्ट्स कहते हैं वो सिंगल ऑपरेशनल एरिया के अंदर अगर आपका स्पेसिफिक डिपार्टमेंट अगर आपने स्पेसिफिक डिपार्टमेंट एच आर का अलग डाटा मार्ट बना दिया आपने सेल की अलग बना दी मार्केटिंग की अलग बना दी फाइनेंस की अलग आपने कहती वो सारी अलग अलग डाटा मार्ट्स हैं तो ये सारी किस्म से डाटा स्टोर हैं जहाँ डाटा स्टोर हुआ था वहाँ से डाटा मार्ट्स बन सकती हैं या आप स्टैगिंग एरिया जितना प्रीवियस वीडियो में स्टैगिंग एरिया का डिस्कस किया था उसके अंदर से आप डाटा मार्ट्स बना सकते हैं डाटा मार्क्स स्पेसिफिक होती है स्पेसिफिक सिंगल फंक्शनल एरिया होता है कि आप स्पेसिफिक अगर आपने निकालनी है सिर्फ एच आर का डाटा निकालना है तो आप डाटा मार्क्स एच आर वाली बुला लेंगे या आपने सेल वाला निकालना है तो आप उसकी बुला लेंगे तो ये डिफरेंट आई टी का निकालना है तो आई टी सेक्टर का आ जाएगा ये डिफरेंट होता है डाटा मार्क्स अगर हम चौथा पॉइंट डाटा मालास स्मॉल इन साइज एंड मोर फ्लेक्सीबल कम्पेयर टू डाटा स्टोर तो डाटा वेयर हाउस तो बहुत बड़ा होता है तो ये उस स्मॉल इन साइज़ होते हैं और फ्लैक्सीबल होते हैं इसके अंदर हम चेंजिंग वगैरह ईजिली कर सकते हैं एज कम्पयर टू डाटा वेयर हाउस के अंदर इसकी तीन तरह की टाइप्स हम दे रहा है थ्री टाइप्स ऑफ डाटा मार्ट्स फर्स्ट वन इज डिपेंडेंट सेकेंड वन इज इंडिपेंडेंट एंड थर्ड वन इज हाइब्रिड डिपेंडेंट जो डिपेंडेंट होती है उसके अंदर इट मीन्स डैट वो डिपेंड कर रही होती है पहले डाटा वेयर हाउस होगा फिर उसके अंदर से डाटा मार्ट्स बन रही होंगे या डायरेक्टली फ्रॉम ऑपरेशनल डाटा होगा अगर डाटा बेस है तो उधर से डाटा मार्ट मार्ट्स बन रहे होंगे लेकिन जो इंडिपेंडेंट डाटा मार्ट है ना इंडिपेंडेंट डाटा मार्ट क्रिएटेड विदाउट द यूज़ ऑफ सेंट्रल डाटा वेयर हाउस तो सेंट्रल डाटा ये उससे पहले ही बन जाती है। और हैं और हाइब्रिड के दोनों यूज हो रहे होते हैं हम डाटा वेयर डाटा बेस और डाटा वेयर हाउस से भी डाटा मार्ट्स बना रहे होते हैं और दूसरी एग्जाम्पल इसकी है कि हम रियल टाइम जिस तरह ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं रियल टाइम ए टी एम की ट्रांजेक्शन हो होती हैं तो ये डायरेक्ट हाइब्रिड के अंदर उसके अंदर जाके आपके डाटा मार्ट्स के अंदर जाकर स्टोर हो जाता है अगर हम डिपेंडेंट डाटा मार्ट को देखें डिपेंडेंट डाटा मार्ट आर पार्टीशन सेगमेंट विद इन इंटरप्राइज डाटा वेयर हाउस टॉप डाउन अप्रोच सबसे फर्स्ट वीडियो के अंदर जिसके अंदर हमने आर्टेक्चर देखा था टॉप डाउन अप्रोच होती है इसमें सबसे एक्सटर्नल डाटा सोर्स होता है फिर भी वो ई टी एल होता है मतलब स्टैगिंग एरिया के अंदर दैन स्टैगिंग एरिया से डाटा लोड होता है डाटा वेयर हाउस के अंदर दैन वहाँ से डाटा मार्टस बनती हैं डी वन डी टू डी थ्री डी फोर ये डाटा हैं मतलब एच आर अलग सेल के अलग मार्केटिंग के अलग हर एक के अलग अलग डाटा मार्ट्स होने दे न्यूली क्रिएटेड डाटा मार्ट्स एक्सट्रैक्ट ए डिफाइन सबसेट ऑफ प्राइमरी डाटा प्राइमरी डाटा का सबसेट होता है वैन एवर रिक्वायर्ड फॉर एनालिसिस, तो इसे हम तब भी निकाल सकते हैं जैसे ही एनालिसिस करो तो हम इसको ईजीली निकाल सकते हैं दूसरी टाइप है इंडिपेंडेंट डाटा मार्ट्स इंडिपेंडेंट डाटा मार्ट एक्ट एज अ स्टैंड अलोन सिस्टम डेट डॉट नॉट रिलाई ऑन डाटा वेयर डाटा वेयर हाउस के ऊपर रिलाई नहीं करती ये डायरेक्टली आप ई टी एल स्टैगिंग एरिया से गे गे ये स्टैगिंग एरिया ई टी एल के बाद लोड डाटा मार्ट्स के अंदर होती हैं एच आर का अलग चला गया डाटा वेयर हाउस का अलग चला गया वो सॉरी सेल का अलग चला गया मार्केटिंग का अलग चला गया एंड देन स्टोर इन टू डाटा मार्स अनटिल द टीम नीड्स इट तब तक स्टोर रहता है जब तक टीम को इसकी ज़रूरत होती है ठीक है फर्स्ट वन में क्या था पहले डाटा वेयर हाउस आता है फिर डाटा मार्ट्स बनती हैं तो ये डिपेंडेंट हो गया इनडिपेंडेंट के अंदर क्या है ई टी एल से डायरेक्ट लोड हो जाएगी डाटा मार्ट्स अलग अलग डाटा मार्ट्स बन द थर्ड टाइप इज हाइब्रिड डाटा मार्ट कम्बाइंड डाटा फ्राम एक्जिस्टेंड डाटा वेयर हाउस एंड अदर ऑपरेशन मीन्स डैट के जो डाटा वेयर हाउस के अंदर डाटा स्टोर हुआ है वहाँ से भी डाटा मार्ट्स बन सकती हैं और जहाँ से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रही हैं तो वहाँ से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का डाटा जो डायरेक्टली डाटा मार्ट्स के अंदर जा रहा है तो ये क्या कहते हैं ये भी ये हाइब्रिड यूज़ हो रहा होता है दिस यूनिफाइड अप्रोच लेवर द स्पीड एंड यूजर फ्रेंडली इंटरफेस तो ये यूनिफाइड होता है मतलब एक ही व्यू इसका आ रहा होता है डाटा मार्ट्स का दोनों तरफ से आ रहा डाटा वेर है वे उससे भी डाटा इसके अंदर आ सकता है और ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन वगैरह हो सकते हैं वो भी डाटा मार्ट्स मार्ट तो आज की वीडियो कंक्लूजन ये है कि डाटा डाटा मार्ट्स सबसेट होता है फंक्शनल ऑर्गेनाइज सब होता है डाटा वेयर हाउस का हर एक का डाटा मार्ट एक कंडेंस वर्जन ऑफ डाटा वेयर हाउस मतलब ये छोटा वर्जन है उसका ये फ्लेक्सिबल स्मॉल इन साइज़ होता है कि हर एक का अलग अलग हम बना सकते हैं तीन तरह की टाइप्स होती हैं सबसे पहले डिपेंडेंट जो डाटा वेयर हाउस उसे डाटा मार्ट्स के अंदर आती हैं दूसरी होती है जो ई टी एल मतलब स्टैकिंग एरिया का फोरन बार डाटा लोड तीसरा ई टी एल ई से ये मैंने एक्सप्लेन किया अपनी सेकेंड वीडियो के अंदर ई टी एल एक्स्ट्रैक्ट ट्रांसफार्मर लोड लोड के बाद डाटा मार्ट्स में होती हैं और जो तो थर्ड वन होती है वो दोनों टाइप की हाइब्रिड होती है डाटा हाउस से भी उसके अंदर डाटा आ रहा होता है और डाटा लोड भी उसके अंदर हो रहा होता है